तो हेलो गाइस यार, कैसे हो सभी लोग। एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो यार आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग वापस से जाने वाले अपने माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर। एंड जिन जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देख रखा है उन लोगों को पता होगा कि यार हम लोगों ने अपने हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर एक ब्यूटीफुल सा सर्वाइवल बेस बना रखा है। एंड अपने लिए फुल आयरन का आर्मर भी बना लिया है। बट आज के इस वाले वीडियो के अंदर यार हम लोग एक फुल एन्चेंटमेंट सेटअप बनाने वाले हैं, जिसके लिए यार हम लोग एक ब्यूटीफुल सा ट्री हाउस बनाने वाले हैं। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए यार वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो यार फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यार अभी हम लोग अपने हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर वापस से आ चुके हैं। अपना घर आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो के अंदर तो देख ही लिया होगा। बट गाइस यार यहाँ पर ना एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है अपने, और सारे के सारे रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हो आयरन वगैरह कुछ भी नहीं हमारे पास। लिटरली यार लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 5 आयरन इंगट्स हमारे पास बचे हुए हैं। तो यार एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी क्राफ्टिंग टेबल को ओपन करते हैं। एंड यार हम लोग अपने लिए बना लेते हैं एक आयरन की पिकैक्स, क्योंकि यार अभी हम लोग डायमंड वगैरह की माइनिंग पर भी जाना होगा। एंड यार आयरन की पिकैक्स बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। एंड वैसे यार मैंने अपने घर के सामने एक छोटी सी ओपन स्पेस रखी है जहाँ से हम लोग माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यार एक काम करते हैं, फटाफट से ना हम लोग अपनी माइनिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड यार मैं आप लोगों से सीधे नीचे चलकर मिलता हूँ। ओके तो गाइस यार अभी आप लोग देख सकते हैं अपने को यार इस वाले माइनिंग स्टेशन के फर्स्ट आयरन के ओर्स मिल चुके हैं। एंड लिटरली यार अभी अपने को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आयरन वगैरह की। तो यार एक काम करते हैं, मैं ना अभी ढेर सारा आयरन जमा करके आप लोगों से अभी मिलता हूँ। ओके तो गाइस यार अभी आप लोग देख सकते हो अपने पास हाफ अ स्टैक आयरन है। यार ढेर सारा कोल भी कलेक्ट हो चुका है। यार इतना अपने लिए मोर देन इनफ होने वाला है। तो यार अभी हम लोग सीधे डायमंड के लेवल पर चलते हैं, जहां पर हम लोग बहुत ही ज्यादा इजीली डायमंड की माइनिंग कर सके। वेल तो गाइस यार अभी हम लोग नेगेटिव लेवल 55 पर पहुंच चुके हैं। एंड यार यहाँ पर डायमंड के स्पॉन होने का रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड यार हमें ज्यादा डायमंड्स भी नहीं चाहिए, तो यार हमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखते हैं यार हमें कितना टाइम लगता है। ओके तो गाइस यार फाइनली हमें इस वर्ल्ड के पहले डायमंड्स भी मिल चुके हैं। एंड यार मुझे लगा था कि काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, बट यार माइनिंग स्टार्ट करने के थोड़े ही देर के बाद हमें डायमंड्स मिल चुके हैं। एंड यार यहाँ से हमें एटलीस्ट अगर 6 डायमंड्स, व्हाट भाई यार लिटरली एक डायमंड, यार एक डायमंड से हमारा क्या होगा यार, यहाँ पर एक और तो होना चाहिए। ओके तो गाइस यार यहाँ पर एक और डायमंड का और मुझे मिल चुका है। यहाँ पर यार 2 से ज्यादा डायमंड्स हमें नहीं मिलने वाले थे। देख लेते हैं यार अगल बगल में मिल जाए तो अच्छी बात है। एंड आई डोंट थिंक सो यार हमें और डायमंड्स यहाँ पर मिलने वाले। तो यार एक काम करते हैं, फटाफट से ना अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखते हैं। ओके तो गाइस यार वहाँ से थोड़ी सी दूर आने के बाद मुझे वापस से यार एक डायमंड की वेन मिल चुकी है। एंड यार अभी हमारे लिए इनफ डायमंड्स कलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि यार अभी हमें पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर नहीं बनाना है। तो यार इतने डायमंड्स हमारे लिए इनफ होने वाले हैं। ओके तो गाइस यार अभी हमारे पास टोटल 6 डायमंड्स कलेक्ट हो चुके हैं। तो यार एक काम करते हैं, फटाफट से ना हम लोग वापस चलते हैं ऊपर की तरफ। ओके 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 तो गाइस यार यहाँ पर हमें लैपिस भी मिल चुका है। एंड यार ये भी एन्चेंटिंग के काम में आ जाता है। तो यार एक काम करते हैं, लैपिस को भी माइन कर लेते हैं। एंड यार यहाँ से ब्लॉक लगाते हैं हम लोग, फटाफट से चलते हैं ऊपर। ओके तो गाइस यार अभी हम लोग फाइनली यार अपने माइन से बाहर आ चुके हैं। एंड यार बाहर तो यार पूरी तरीके से रात हो चुकी है। एंड यार इस बदसूरत को देख रहे यार हमें मारने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। लिटरली यार ये ज़ॉम्बीज ना काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होते हैं भाई साहब। डैमेज तो कुछ खास डील करते नहीं है, बट यार अनोइंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ओके तो गाइस यार अभी हमारे पास डायमंड्स तो कलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन यार एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए हमें लेदर एंड शुगर केन की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यार एक काम करते हैं, मुझे 2 मिनट दो, मैं ना फटाफट से ढेर सारा लेदर एंड शुगर केन कलेक्ट करके आप लोगों से अभी मिलता हूँ। ओके तो गाइस यार अभी आप लोग देख सकते हैं अपने पास यार ढेर सारा लेदर एंड थोड़ा सा शुगर केन कलेक्ट हो चुका है। एंड यार लेदर तो आई थिंक सो इनफ हो जाएगा, बट यार शुगर केन हमारे लिए इनफ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो यार इसके लिए ना हमें एक छोटा सा शुगर केन फार्म बनाना होगा, जहाँ से यार हमें ढेर सारा शुगर केन मिल सके। तो यार मुझे दो मिनट में फटाफट से एक शुगर केन फार्म बना के आप लोगों से अभी मिलता हूँ। ओके तो गाइस यार अपना शुगर केन फार्म बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, बट शुगर केन्स को ग्रो होने में यार काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो यार एक काम करते हैं, तब तक ना यार हम लोग अपने लिए डायमंड की पिकैक्स बना लेते हैं। एंड यार जिन लोगों ने लास्ट एपिसोड देख रखा है उन लोगों को पता होगा कि यार हमें लास्ट एपिसोड में एक लावा पूल मिला था। तो यार अभी हम लोग उसी लावा पूल पर जाने वाले ऑक्सीडेंस कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हमें ऑक्सीडन चाहिए होंगे एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए। एंड यार जहां तक मुझे याद है वो लावा पूल ना इसी डायरेक्शन में कहीं पर था, तो हम लोग ना अभी इसी डायरेक्शन में आगे जाने वाले हैं। ओके तो गाइस यार हम लोग फाइनली इस लावा पुल तक आ चुके हैं। यार कहना पड़ेगा ये लावा पुल यार अपने विलेज से थोड़ा सा ज़्यादा ही दूर हो गया, बट कोई नहीं यार हम लोग यहाँ पर आ तो चुके हैं। तो यार फटाफट से ना काम करते हैं, इस लावा के ऊपर पानी डालते हैं। एंड यार मैं ना तुम लोगों से अभी ढेर सारा ऑक्सीजन जमा करने के बाद मिलता हूँ।
ओके तो गाइस यार अभी आप लोग देख सकते हो कि यार मैंने अभी मोर देन इनफ ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिया है एंड ये ऑब्सीडियन हमारे लिए इनफ हो जाएगा। तो यार चलो अभी हम लोग ना फटाफट से अपने विलेज की तरफ वापस चलते हैं। ओके तो गाइस यार फाइनली अभी हम लोग अपने घर पर वापस आ चुके हैं एंड यार रास्ते में मुझे ढेर सारा शुगर केन भी मिला था जो कि मैंने कलेक्ट कर लिया है। एंड यार एक काम करते हैं, फटाफट से अपना सारे का सारा ऑक्सीजन अपनी चेस्ट के अंदर स्टोर कर देते हैं। एंड गाइस अभी अपना लास्ट टास्क बचा है यार अपने लिए ट्री हाउस बनाना। तो यार अपने घर का बगल वाला एरिया काफी ज्यादा सही है एंड यार अगर हम लोग यहाँ पर अपना ट्री हाउस बना दे तो यार काफी ज्यादा सही लुक आने वाली है। बट गाइस यहाँ पर ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ना पहले से ही काफी ज्यादा ट्रीज ग्रो हो रखे हैं। तो यार मुझे तो 2 मिनट सारे के सारे ट्रीज कट करके तुम लोगों से अभी मिलता हूँ। ओके तो गाइस यार फाइनली अभी आप लोग देख सकते हो यार अपना जो ट्री हाउस है वो पूरी तरीके से यार बनकर रेडी हो चुका है। एंड आई नो यार थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट बिलीव मी गाइस यार इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो गाइस यार मैं ना आप लोगों को इसका फटाफट से एक क्विक टूर दे देता हूँ। तो यार सबसे पहले नीचे हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ से डोर एंड यार डोर से अंदर होती है हम लोगों को मिल जाएगी लैडर्स। एंड यार जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे सबसे पहले यार हमारे सामने दिखता है आप लोगों को एक ब्यूटीफुल सा एन्चेंटिंग टेबल एंड यार पीछे की साइड पर मैंने थोड़े से वर्क बेंचेस वगैरह लगा रखे हैं। एंड गाइस इसका जो बेस्ट पार्ट है वो है यार यहाँ का व्यू। भाई साहब यार देख रहे हो यहाँ से कितना ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू आता है अपने विलेज का अपने घर का। एंड यार ऊपर से ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स गिर रहे हैं वो भी यार कितने ज्यादा सही लग रहे हैं। तो यार इतना ही था, मैंने इसके अंदर ज्यादा कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करी है। आई होप कि यार आप लोगों को अपना ये हाउस पसंद आया होगा। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो वेल आई गेस यार ये वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करने वाले हैं। तो यार वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना।